मिठोड़ा के पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता के हत्यारों का अभी तक नहीं लगा सुराग। 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, आक्रोशित लोगों का महापड़ाव जारी। बाड़मेर के सिवाना थाने के मिठोड़ा गांव में अपने फार्म हाउस में सो रहे पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता आम सिंह की गला काटकर हत्या के मामले में 36 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वह अभी तक हत्यारों को पकड़ नहीं पाई हैं। आक्रोशित परिजन व समाज के लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। पुलिस का कहना है कि पुलिस की 5 टीमें लगातार हत्यारों की तलाश में जुटी हैं, वहीं संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है। वहीं परिजनों से वार्ता कर सहमति बनाने का प्रयास चल रहा है। पुलिस के अनुसार सोमवार रात 11 बजे मिठोड़ा पादरू रोड पर बने कृषि फॉरम पर आम सिंह आस पड़ोस के कष्टकारों के साथ खाना खाकर छत पर अकेले सो गए थे। रात करीब 2-3 बजे के बीच सिलाने की आवाज़ पर पड़ोसी कष्टकार जाग गए। उन्होंने आम सिंह को कॉल किया तो फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस पर उसने मृतक के बेटे गणपत सिंह को फ़ोन किया। उसके बाद बेटा व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और देखा तो छत पर आम सिंह पलंग पर के नीचे लहूलुहान हालत में पड़े थे। बालोतरा ASP सुभाष खोजा के मुताबिक पुलिस की 5 अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं। वहीं CCTV फुटेज को खंगाला है, कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं परिजन व समाज से वार्ता चल रही है। परिजन व समाज के लोग कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। मर्डर की सूचना के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो गया। वहीं पर टेंट लगाकर धरना दे दिया। दोपहर के समय SP दिगंत आनंद घटनास्थल पर पहुंचे, परिजनों से वार्ता की। परिजनों ने पोस्टमार्टम करने के लिए सहमति दे दी। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को पारद्रू मोर्चरी में ही रखकर लोग दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं। वहीं आज सुबह मृतक आम सिंह के बड़े बेटे मालम सिंह की तबीयत बिगड़ गई और पादरू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस व प्रशासन के कई दौर की वार्ता हुई लेकिन सहमति नहीं बनी। परिजन समाज के लोगों की पुलिस के अधिकारियों व प्रशासन के अधिकारियों से कई दौर की वार्ता हुई। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी व सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया लेकिन परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। मर्डर मामले में आरोपियों का सुराग नहीं। मर्डर के करीब 36 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्या के कारणों व हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है। FSL टीम व डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर बुलाया गया। वहीं FSL टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। वहीं 5 अलग अलग टीमें गठित कर आरोपियों की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतक के मिठोड़ा में 4 से 5 कृषि कुएं हैं। रात के समय 11 बजे बाद पास में बैठे ग्रामीणों को वहां से निकालने के बाद प्लानिंग से मर्डर करने की वारदात करना प्रतीत हो रहा है। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात। पादरू हॉस्पिटल के बाहर महापड़ाव की घोषणा के साथ ही एहतियातन के तौर पर करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस व जाब्ते को वहां पर तैनात किया गया है। वहीं ASP सुभाष खोजा, DSP नीरज शर्मा सहित थानों के थानाधिकारी हॉस्पिटल के बाहर उपस्थित हैं। घटना घटी है, इस पर अगर देखा जाए तो वास्तव में मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी इस तरीके से बिल्कुल हत्या करने का जो कार्य हुआ है, ये खिलौना मतलब बड़ा दुख है पूरी जनता को। 36 कुओं के साथ में रहने वाले व्यक्ति की इस तरीके की हत्या हो जाना, प्रशासन कल से प्रयत्न कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रयत्न नहीं कर रहा है, पर लोगों में आक्रोश है कि समय रहते अगर इस अपराध का खुलासा नहीं होता है और मुलजिम नहीं पकड़े जाते तो जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज से करीब 3 महीने पहले एक मौड़ी में 2 हत्याएं हुई थी, उसका भी अभी तक खुलासा नहीं होना, ये प्रशासन के लिए प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी वजह से लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे पूरे राजस्थान में अपराध की घटना बढ़ती जा रही है परंतु ये ऐसी घटना है कि इसको देखी नहीं जा सकती। आज कई जिलों से, जालौर से लगाकर, सिरोही से लगाकर, जैसलमेर, पाली और बाड़मेर जिले से लगाकर, मेरे साथ में बालोतरा के प्रधान से लगाकर सारे जनप्रतिनिधि, मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं है कि 36 कौम के जनप्रतिनिधियों के साथ में आम जनता 36 कौम यहाँ है और ऐसी 27 गांव के साथ में आज मेरे डॉक्टरों से बात हुई, 6 इंच और 34 सेंटीमीटर लंबा एक जो प्रहार जो किया है पीछे, ऐसी बहरम हत्या आज दिन तक देखने को नहीं मिली है। ऐसा कोई राक्षस रूपी व्यक्तियों ने ऐसी हत्या की है, इसका खुलासा तुरंत हो जाए। जनता का सुबह से हम यहाँ सारे बैठे हैं तो जनता की आक्रोश तो मैं देखकर भी बन नहीं सकता कि ये लोग आगे जाके, जब तक ये प्रशासन को आज आपके चैनल के माध्यम से हम सब ये बताना चाह रहे हैं कि समय रहते इसका खुलासा नहीं हुआ तो फिर जन आंदोलन और तेज होगा, इसके लिए प्रशासन जुम्मेवार होगा, इसके लिए जनता फिर हाथ में नहीं रहेगी।
इसलिए प्रशासन को जल्दी से जल्दी इसको कैसे खुलासा करें कि जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आरोपी नामजद है इसमें? आरोपी नामजद रात को 2:30 बजे जो ब्लाइंड मर्डर हुआ है इसमें कोई नामजद नहीं है। वैसे इनकी भाईचारा के साथ में सबके साथ में मिलनसार था और किस तरीके से घटना घटी है ये प्रशासन किस रूप में जाके इनको तुरंत पकड़े तभी जाके जनता को राहत मिलेगी, वरना ये आक्रोश और फैलता जाएगा। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं आपके सर? मेरे हिसाब से कोई पुरानी रंजिश मैंने महसूस नहीं की। सर जो सर्व समाज समाज किया अभी सबके सामने एक ही चीज़ है, मुलजिम कितने जल्दी पकड़े जाए तो फिर उनके परिवार से लगाकर रिलेशन से लगाकर जितने सर्व समाज के लोग हैं बिना कल के बाद में बिना खाए पिए यहाँ बैठे हैं। तो आपको ध्यान है कि डेड बॉडी पड़ी होती है तो पूरे पूरे परिवार से लगाकर दूसरे जितने भी सर्व समाज हैं उनमें क्या बीतती होगी। तो प्रशासन तुरंत प्रभाव से इसकी कार्रवाई करके तुरंत पकड़े, मुलजिम पकड़ा जाएगा, उसके बाद में बॉडी का डिस्पोजल भी हाथों हो जाएगा। और अभी तक सबका मन में यही विचार है कि जब तक बॉडी का डिस्पोजल नहीं होगा तब तक यहाँ मां पड़ाव रहेगा और धरना जारी रहेगा।